नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज रंगावत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कृष्णा साड़ी के एक और फ्रेश कमाल वीडियो के अंदर। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह से घर में एक कोने में बैठ के चुपके आपके लिए वीडियो बनानी पड़ेगी। बट जो भी है, समय बलवान होता है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर अभी क्या माहौल चल रहा है, तो 31 तक सारा बंद है। तो इस हिसाब से जो है, मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई जाए। तो काफी नॉलेज वाली वीडियो होनी चाहिए, कि जैसा कि कहते हैं ना कि नॉलेज तो कहीं पे भी काम आ जाता है, और नॉलेज होना बहुत जरूरी है हर चीज का। चाहे आपके ऐसे रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके काम का हो चाहे नहीं हो, लेकिन नॉलेज हर चीज का होना ही चाहिए। जहां भी मिले नॉलेज तो ले लेना चाहिए। और वैसे भी जो साड़ियां आप बेचते हो या जो साड़ियां आप पहनते हो, तो उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो आज की जो वीडियो, जैसे आपको टॉपिक पढ़ के पता चल ही गया है कि राजस्थान की जो साड़ियां प्योर जॉर्जेट की या बंदेज की है, वो कैसे बनती है, कैसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो सारा प्रोसेस जो है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है साड़ियां नॉलेज वाली देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक बात जो है आपके मतलब की है और आपके नॉलेज की है। और एक आपसे वादा भी करना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो में एक एम रख रहा हूं लाइक्स का, अगर आप इस वीडियो को 1000 लाइक जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देते हैं, तो ये सारी जो भी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, उसका मैं आपको फैक्ट्री टूर दूंगा। आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे बंदेज बनता है, कैसे डाई होता है, कैसे प्रिंट होता है, वो सारा जो है कंप्लीट टूर दूंगा। आपसे गुजारिश है कि बस 1000 लाइक इस वीडियो में जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। जैसे ही मौका मिलेगा, मैं आपके लिए वो वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। तो चलिए, आप ज्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट जो टॉपिक है उस पर आते हैं। तो उसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले जो है, जो भी फैब्रिक है उसका कच्चा माल जो है हमारे पास आता है। कच्चा माल जो है सारा जो है इंडिया का सारा टोटली जो कपड़ा है सूरत के अंदर ही तैयार होता है। खास करके साड़ियों का जो है सारा कपड़ा जो है सूरत में ही तैयार होता है। इसकी जो भी मशीनें हैं या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, वो सारी सूरत के अंदर ही है। चाहे वो कोई भी कपड़ा ले लीजिए, शिफॉन, जॉर्जेट, वेडलेस, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी कपड़ा है, चाहे वो दिल्ली की साड़ी है, चाहे राजस्थान की है, चाहे कलकत्ता की है, बनारस की है, कहीं की भी है, सारा जो कपड़ा है पूरा जो है सूरत से ही कच्चा माल इसका तैयार होके सभी जगह आता है। तो वो ये बहुत से लोगों का कंफ्यूजन था, कि बहुत से लोग मुझे फोन करके बोलते हैं सर आपका तो मैन्युफैक्चर है, कपड़ा कैसे बनता है। मैंने उनको सबको बताता हूँ, कपड़ा यहाँ पे नहीं बनता, कपड़ा सारा जो है सूरत के अंदर ही बनता है। तो वो जो है कच्चा माल, जैसे प्योर जॉर्जेट का है, तो प्योर जॉर्जेट का कच्चा माल हमारे पास तैयार होके आता है। और जो भी वीविंग का काम आप देखते हैं, कुछ साड़ियों में होता है, कुछ साड़ियों में नहीं होता है। जैसे घंटी स्टाइल की साड़ी अपनी एक, तो उसके अंदर नीचे घंटी के अंदर वीविंग के अंदर जरी का काम किया होता है, तो वो भी वो सारा जो है वो भी सूरत के अंदर ही तैयार होके हमारे पास आता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब कपड़ा सारा सूरत के अंदर बनता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो है इस बंदेज वगैरह की राजस्थान में या कलकत्ता का माल है, तो कलकत्ता के अंदर क्यों नहीं होती। तो उसका रीजन ये है कि अब हर जगह की अपनी स्पेशलिटी होती है, गोल्ड गिफ्टेड होते हैं। तो उसमें क्या है कि अब राजस्थान में, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कि जैसे बीकानेरी भुजिया है, तो बीकानेरी भुजिया आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो भुजिया तो हर जगह पे बनता है, लेकिन बीकानेर में क्यों फेमस है? मसाले वगैरह भी अगर आप यहाँ वाली जो भी रेसिपी है उनकी, अगर वैसे भी अगर आप बनाना चाहेंगे, तो भी बीकानेर जैसा भुजिया जो है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ की हवा और यहाँ का जो पानी है उसका ही आप मान लीजिए गॉड गिफ्टेड मान लीजिए बीकानेर को इस मामले के अंदर, मतलब ऐसा भुजिया पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बन सकता। उसी हिसाब से जैसे कि जो डाई यहाँ पे राजस्थान में होती है, जो रंग यहाँ पे जो कपड़े पे जो रंग राजस्थान के जो चढ़ते हैं, तो उनकी जो फिनिशिंग वगैरह जो है, काम की फिनिशिंग वगैरह, बंदेज की फिनिशिंग वगैरह है, वो और कहीं भी नहीं हो सकती। वैसे ही दिल्ली में जो हैंडवर्क, बरेली का जो हैंडवर्क काम है, वो उनका फेमस है, जो सूरत में सिर्फ प्रिंट हो सकता है और जो वर्क वगैरह वो हो सकता है, लेकिन राजस्थान का काम सिर्फ राजस्थान में ही हो सकता है, कलकत्ता का कलकत्ता में, दिल्ली का दिल्ली में। तो इस हर स्टेट की अपनी एक स्पेशलिटी है। जैसे कच्चा माल व्हाइट बहुत आते हैं बिल्कुल कुछ, और हजारों मीटर के जो है वो एक थान होते हैं, रोल होते हैं। तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कोई एक एक दो दो या 10-20 साड़ियों की, अगर 100 साड़ियों की अगर अपन करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी फिर वो कॉस्टिंग नहीं बैठ पाती है, आने जाने की, ट्रांसपोर्टेशन की, बहुत सारा जो है सारा देखना पड़ता है, उसके बाद ही जो है इसकी कॉस्टिंग, मिनिमम जितनी कॉस्टिंग ला सकते हैं उस हिसाब से जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो वैसे जो भी कच्चा माल हमारे पास आया, कच्चा माल आने के बाद की प्रोसेस आपको बताता हूँ। हम जो है उसको, जो भी रोल को जो है पूरा हम देते हैं डाई वालों को, जो भी डाई करते हैं वो अलग कारीगर होते हैं जो डाई करते हैं। तो वो जो है, जो भी हम उन्हें कलर चार्ट देते हैं, जो हमें एक एक पहले तो सैंपल तैयार करके दिखाते हैं, और फिर जो है कि फिर हम उन्हें डिसाइड उन्हें काम देते हैं कि ये इस कलर की इतनी, इस कलर की इतनी, इस कलर की इतनी, इस हिसाब से आप हमें तैयार करके दीजिए।
तो वो जो है उसी हिसाब से आप डाई कैसे होता है, डाई का भी आपको थोड़ा बता देता हूँ कि डाई का तो वैसे ज्यादातर लोगों को पता होगा, जैसे जो भी कलर करना है उस हिसाब से जो पानी के अंदर जो भी उनका जो केमिकल होता है वो मिला के उसमें भिगो के और साड़ी को उस हिसाब से जो है मतलब जो भी कलर करते हैं एंड देन उसे जो है साड़ी को सुखाते हैं, जैसे कि थंबनेल वाली वीडियो में देखा है आपने उस तरह से साड़ी को सुखाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि साड़ी जैसे ही अपन डाई होगी, डाई होने के बाद अपने पास आ गई, फिर वो जो है जाती है प्रिंट के पास, प्रिंट के पास या फिर बंदेज के पास। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे बंदेज वाली साड़ी है तो बंदेज वाली साड़ियों में क्या होता है कि बंदेज बनता है और कुछ साड़ियों का बंदेज का प्रिंट होता है, एक तो बंदेज होता है और एक बंदेज का प्रिंट होता है, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। बंदेज में और बंदेज के प्रिंट में काफी कॉस्टिंग का बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो जैसे बंदेज प्रिंट का पहले आपको बताता हूँ, जैसे बंदेज प्रिंट अपन को करवाना है तो जैसे अभी अपने घंटी वाली मैं एक उस पर्टिकुलर साड़ी को लेकूँ क्योंकि उस साड़ी को बहुत सब जने जानते हैं अपनी, बहुत फेमस साड़ी है। तो जैसे उसके जो भी प्रिंट अगर होता है तो वो क्या होता है कि एक उनके पास फ्रेम होता है या देसी भाषा में बोलूं तो एक खांचा टाइप होता है, तो उसके अंदर वो शेप बनी होती है जैसे मोर होती है अपने, उस हिसाब से फिर वो जो भी कलर अपने बंदेज जो भी कलर का प्रिंट जो करना होता है उस हिसाब से वो उसके अंदर कलर्ड वगैरह जो भी करके एंड इस तरह से प्रेस करते हैं फ्रेम को या मोर टाइप जैसे भी लगाते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो साड़ी के अंदर जो है वो जो प्रिंट है वो फिक्स हो जाता है। तो उस हिसाब से जो है हर डिजाइन के जो है अलग फ्रेम्स होते हैं, तो उस हिसाब से उनके पास जो भी होते हैं वो सबसे पहले अपन को एक सैंपल दिखाते हैं कि ये देखिए इस तरह से ये नया डिजाइन फ्रेम चल रहा है, तो वो उस हिसाब से हम एक सैंपल दिखाते हैं, उसके बाद जो भी डिजाइन डिसाइड होता है क्वांटिटी डिसाइड होता है उस हिसाब से वो हमें बना के दे देते हैं। देन उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, हमारे पास प्रिंट होके माल आ गया, ठीक है। अब कुछ साड़ियां जो है जैसे घंटी स्टाइल वाली साड़ी है वो वैसे ही बिकती है प्रिंट होने के बाद रेडी होती है, और कुछ साड़ियां जैसे सिपूरी वाली भी होगी वो भी प्रिंट होने के बाद बिकती है, लेकिन कुछ साड़ियां जो है उसके ऊपर काम भी होता है, जैसे कि प्योर जॉर्जेट की साड़ी जो होती है कुछ भी जैसे हैंडवर्क का काम हो गया है ना, तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बंदेज का भी बताता हूँ, तो कुछ साड़ियों में प्रिंट होता है और कुछ साड़ियों में जो होता है बंदेज। तो बंदेज का क्या होता है, बंदेज के अलग कारीगर होते हैं और प्रिंट के अलग कारीगर होते हैं, तो बंदेज वाला माल बंदेज वाले के पास जाता है और बंदेज की कॉस्टिंग ज्यादा होती है थोड़ी, बंदेज की साड़ियां थोड़ी महंगी होती है। बंदेज की साड़ियों की कॉस्ट कैसे बढ़ती है कि जिस हिसाब से जो बंदेज होगा, मोटा बंदेज होता है छोटा बंदेज होता है और बंदेज साड़ी में कितना करना है, क्वांटिटी कितनी करनी है, कितना काम करना है, उस हिसाब से जो है कॉस्टिंग होती है। जितना बारीक बंदेज होगा उतनी ही साड़ी की कॉस्टिंग जो है ज्यादा आएगी, क्योंकि बारीक बंदेज को छोटा छोटा बांधने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है, तो उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग जो है थोड़ी कारीगर ज्यादा लेता है। तो बारीक बिल्कुल बारीक बंदेज की साड़ियां जो है और दुपट्टे भी आते हैं तो 7-7, 8-8, 10-10 हजार की साड़ियां भी आती है, तो वो इसी कारण आती है कि वो छोटा छोटा बंदेज पूरी साड़ी में करने में आप देखिए कितना टाइम, तो कितने दिन लग जाते हैं उस साड़ी को, एक साड़ी को बनाने में। तो इस तरह से जो है वो सारा काम बाद में तैयार होके आता है। तो प्रिंट या बंदेज होने के बाद जो है बंदेज की जो साड़ियां होती है वो ज्यादातर जो है वो सिर्फ बंदेज हो गई बिकती है, लेकिन प्रिंट की जो साड़ियां होती है वो वर्क भी होती है कुछ साड़ियों में और कुछ बंदेज की साड़ियों में भी डेफिनेटली वर्क होता ही है। तो उसके अंदर क्या है कि फिर जो भी अपन वर्क का कारीगर अलग होता है, देखिए डाई का अलग होता है वर्क का अलग होता है, ठीक है, फिर अलग अलग वर्क के अलग अलग कारीगर है हमारे पास, कारीगर आते रहते हैं कि देखिए ये नया डिजाइन तैयार किया है, ये नया डिजाइन तैयार किया है, तो हर पर्टिकुलर डिजाइन का जो है एक अलग जो है कारीगर होता है। तो उस हिसाब से उसमें क्या है कि कोई कारीगर को बुलाया और उसका वर्क हमने अपन ने डिसाइड किया, देन उसके बाद में जो कारीगर अपन को एक सैंपल तैयार करके दिखाता है कि ये देखिए इस तरह से जो है साड़ी तैयार होगी। अगर वो हमें पसंद आता है या जो भी है उसके अंदर कुछ भी मॉडिफाई करना होता है, कुछ स्टोन को ज्यादा हैवी करना होता है, कम करना होता है, वो सारा बिठा के और उस डिजाइन की उस कारीगर से हम कॉस्टिंग तैयार करवाते हैं कि आप ये बताओ इस साड़ी की क्या कॉस्टिंग क्या पड़ेगी। तो वो कॉस्टिंग डिसाइड होने के बाद जो है हम उन्हें कपड़ा देते हैं कि ये लो कपड़ा और जो भी वो पर्टिकुलर टाइम रहता है उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपन को उतनी साड़ियां उस डिजाइन के अंदर तैयार करके दे देता है। तो इस तरह से जो है सारा प्रोसेस होता है। देन उसके बाद में जो है कुछ एक प्रोसेस और बाकी रहती है छोटी सी, फिर उसके बाद में क्या होता है कि कुछ जैसे बड़े व्यापारी है तो वो जो मतलब सैकड़ों साड़ियां इकट्ठी उठाते हैं तो उन्हें तो माल सीधा का सीधा ही चला जाता है डायरेक्ट कारीगर से आने के बाद, और कुछ साड़ियां जो होती है कुछ जैसे कुछ शहरों में रोल प्रेस की सुविधा नहीं है, है ना, कम क्वांटिटी में लेते हैं और रोल प्रेस की जैसे घर में जो बहनें आज हमारी काम करती है तो उन्हें रोल प्रेस करवाने की इतनी सुविधा नहीं है और ना ही वो कहीं बाहर जाके करवा सकती है ना, तो उनके लिए क्या है कि हम रोल प्रेस भी उन साड़ियों को हम करवा के देते हैं। वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर होता है, अगर वो कहते हैं करवा के दो या नहीं करवा के दो तो हम उस हिसाब से उन्हें
भेज देते हैं। तो इस तरह से जो है ये प्रो जॉर्जेट का सारा जो है, या बंदेज का या कोई भी है, वो सारा इस तरह से हिसाब से जो है मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है। तो ये अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को फटाफट से 1000 लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपको रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो आने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि 31st तक सारा बंद है और काम करने वाले बंदे जो है ऐसे फ्री नहीं रह सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाई जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में अपना सवाल या सुझाव जरूर दीजिए, आपको किस टॉपिक पे साड़ियों से रिलेटेड, साड़ी बेचने के लिए या जो भी है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है आप मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स के किस तरह की टॉपिक पे आपको जो है वीडियो चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आपका कीमती टाइम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।